और सुना, सब बढ़िया? नहीं कहाँ से बढ़िया होगा, अभी बैठ के जो जज कर रहे हैं मुझे हरामी लोगों। देखो इससे पहले तुम जज करके कोई भी ओपिनियन बनाओ, हाँ मैं नहीं नहाया हूँ, मैं लेट उठा हूँ और मैं लेट चल रहा हूँ। अभी एक और वीडियो शूट करने है यार, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, बट मेरा फिर भी ठीक है यार। मनोज दी के साथ क्या चल रहा है? अरे वो नहीं है कच्चा बादाम वाला सिंगर, वो उससे मिलने चला गया 300 किलोमीटर। भाई तुम्हें पता 300 किलोमीटर किसी बंदे के लिए ट्रैवल करना कितनी बड़ी बात है मेरे लिए? मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि 300 किलोमीटर ट्रैवल किया वो भी बंदे के लिए। अबे लड़की के लिए करूँगा मैं, 1% चांस होता उसका। अबे जोक नहीं कर रहा यार, अभी अगर तुम्हें लगता है ना कभी आउट ऑफ ब्लू जा रहा हूँ लड़कीबाजी के चक्कर में जाता हूँ मैं, ये बंदे के लिए गया जेन्युइनली हेल्प करने के लिए। दोस्तों अभी आ गए हैं अंकल के घर पे, ये रहे काचा बादाम वाले जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा भीड़ लग गया है, सब कोई देखने के लिए आ गए। तो अभी फुल ब्लॉग आ जाएगा मेरे चैनल। वो फोटो पोस्ट करी, वीडियो पोस्ट करी, वीडियो पोस्ट करते ही अरे नहीं नहीं आए मतलब ये है वीडियो में। उस पर गुस्सा हो गया वो बाद में स्टोरी डाल के कह रहा है कि अरे यार कुछ भी करो फिर भी गाली पड़ रही है। अरे मनोज भैया समझो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट ये झूठ भी मत बोला कि हाँ नहीं नहीं मैं अपना काम धाम छोड़ के 300 किलोमीटर गया हूँ क्योंकि लिटरली आपने व्लॉग शूट करी है। आई मीन जेन्युइनली अच्छा कर रहे हो, मैं उसके लिए अप्रिशिएट कर सकता हूँ, ये बुल फिट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी दुनिया में ना बकवास है बहुत लोग कर रहे हैं। मैं जेन्युइनली आज वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि मैं इस हालत में हूँ, बट मेरे को लगा सेक्सी लग रहे हैं बाल और नया चश्मा भी मेरे पास तो चलो वीडियो बना देते हैं। मनु भाई कितना पन होती हो यार आप उससे मिलने गए, बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अबे हॉस्पिटलाइज है ये कच्चा बादाम वाला बंदा। भाई साहब पैसे मिले तो उसने गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी खरीदी तो सोचा चलाना भी सीख लेते हैं, दे मारी दीवार में, छाती पे चोट लगी हुई है। हाँ आई नो इस पे आएंगे लोग, किसी के दर्द पे हंस क्यों रहे, मैं हंसूंगा मेरा मुंह है, ठीक है बकवास नहीं चाहिए मुझे। बहन की आंख, मैं समझ चुका हूँ तुम सबको खुश नहीं रख सकते, तो अब मैं करूंगा जो मेरा मन चाहे। मुझे तो लगता है तुम्हें खुश होना चाहिए यार कि तुम हमारा एक्सीडेंट हुआ और लोग बात कर रहे हैं। तुम्हें पता हर दिन कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि ये कच्चा बादाम वाला बंदा है जिसके गाने पे तुमने अपना पिछवाड़ा हिलाया है, नहीं तू उसके बारे में उल्टे सीधे नहीं बोल सकता। चुप है CLWL, मैं उन हिपोक्रेट लोगों की तरह नहीं हूँ, नहीं नहीं आई लव यू बट आई डोंट हेट यू, हाँ आई लव यू बट आई हेट यू। हम मालूम है तेरे बाप को मैं सिखा चल। अरे फ्लाइंग बीस्ट मिले सदगुरु जी से, आई मीन सीरियस। अबे यार क्या गलत है तुम लोगों के साथ, तुम क्यों मुझे सही साबित करना चाहते हो हर बार? मतलब मिले अच्छी बात है, एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट करी और तुम्हें पता है गौरव भैया से मुझे कितना प्यार है, बट भैया ने ये लिखा है कि अभी सदगुरु जी बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, और कोई बात नहीं कर रहा। लियोनार्डो डिकैप्रियो बुलाऊं क्या? वो बंदा इतने सालों से कर रहा है और तुम कह रहे हो 25 साल, वो तो कह रहा था 12 साल बचे हमारे पास, कि अगर 12 साल में हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पास कोई मौका नहीं है, हम वापस जाके कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया को बचाने के लिए। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे। MSK व्लॉग के बारे में बात करें क्योंकि अभी MSK व्लॉग गए टेड टॉक देने के लिए। गुड लक, गुड विशेस फॉर यू मैन, आई जेन्युइनली लव यू, बहुत अच्छी वाइब है। बट वहीं पे उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग पोस्ट करी जहां पे उन्होंने अपनी प्राइवेसी के बारे में बात करी कि कैसे कुछ फैंस उनके रूम तक पहुंच गए थे, सब्सक्राइबर मिले, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। एक सब्सक्राइबर था जो कमरे तक आ चुका था, थोड़ा बहुत मैंने उनको बोला, उस चीज का थोड़ा मेरे को ऐसे अफसोस हो रहा है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जब आते हो ना ऐसे होटल वोटल में, थोड़ा नीचे रहा करो, ऐसे कमरे के अंदर घुसने की मत ट्राई करो, हमारी भी एक प्राइवेसी होती है, समझ लो थोड़ा सा। किसको भी ऐसा सही नहीं लगेगा, ऐसे हम अपना काम कर रहे, हमारी दुनिया में अपनी बातें चल रही है, फिर कोई अचानक से आ जाता है। आप लोग मुझे जानते हो A to Z, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर की है, बट जो मिलने के लिए आ रहा ना मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है, मेरे लिए वो अजनबी है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अंदर कमरे तक मत आना बस। अगर किसी को बुरा लगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया ये, तो जो समझना है समझो, मेरे को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती। हाँ वही देहरादून वालों, याद है देख रहे मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, सालों तुम्हें अपने रूम तक लेके आया था, मैं बैठाया था, सारे ऑप्शन दिए थे तुम्हें जो तुम चाहते थे। मेरा पहले का डायलॉग था ना आई एम योर फेवरेट होस्ट, वो ट्रू डायलॉग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ और तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे होटल रूम तक आते हो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ इन दी सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सिंगल ही मरेगा। अबे जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, देहरादून वाला व्लॉग देखना, वहाँ पे लेजिट लोग मेरे साथ कॉफी बार में बैठे हुए हैं, मेरे होटल रूम तक पहुँचे, एक्चुअली होटल रूम तक पहुँचने में उन्होंने मेरी हेल्प करी है,
देहरादून घुमाने में मेरी हेल्प करी है और इवन मेरी जान लेने की भी कोशिश करी है मुझे हाइकिंग करवा के। भाई बहुत अच्छा नजारा है। अबे जो था उस दिन देहरादून से या जिसने व्लॉग देखे उसे पता मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड था। अबे यार थक गया था यार मैं आने के बाद ना मैं लिटरली आधा घंटा एक घंटा शांत बैठ गया पूरा। इतना गुस्सा था मुझे। पॉइंट इज मैं चीजें करता हूँ अच्छी चीजें करता हूँ लोगों के लिए बट इतना भी मत कराओ कि जो जिस चीज के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक अच्छा होस्ट होने के लिए तुम्हें ये जाना जरूरी है कि जिसके साथ तुम हो उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद क्योंकि बकवास तो मैं कर ही लेता हूँ। तुम्हारा काम बस आंसर देना होता है यार। उसका काम ही है ना तुम्हें इंटरेस्ट बनाए रखे तुम्हारा बोर ना होने दे और मैं अच्छा इंसान हूँ। सो मैं एग्री करता हूँ एम एस के ब्लॉग के साथ कि हाँ नहीं करना चाहिए बट ठीक है अगर आप ट्रैवलिंग में तो चलता है कि होटल रूम में कुछ है नहीं या कर नहीं रहे आप ही हो या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे घर की चीज़ है तो मैं एग्री कर सकता हूँ बट होटल रूम तक मेरे को लगता है चलेगा। वैसे भी तुम ट्रैवल कर रहे हो अकेले हो यार। अच्छा आप दोस्तों के साथ करते हो मैं अकेले ही करता हूँ हमेशा जब भी करता हूँ। दिल से गाना आ गया कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। अब कुछ लोग हरामी बहुत होते हैं यार तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। साला कौन था मैं कभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था रिसेंटली वो जाके कहता ज्ञानी भैया साथ में ट्रैवल करेंगे। अच्छा 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 मैं बता रहा हूँ कभी भी ना किसी फेमस आदमी के साथ ट्रैवल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत होता है ना उस फेमस आदमी की न्यूज़ छपेगी तुम्हारी नहीं। ट्रू स्टोरी ब्रो। मतलब अभी तो देखो ना यूक्रेन में एक इंडियन मारा है उसकी न्यूज़ मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि वो एक लौता मारा इंडियन। अभी फिर आ जाएगा यार फिर किसी की मौत पे मजाक उड़ा रहा है क्या करूं सारी दुनिया में सैडनेस है यहाँ पे खुशियों के आते हैं लोग। अगर तुझे प्रॉब्लम है निकल जा तू बाकी न्यूज़ देख ले। नहीं आशीष आशीष चंचलानी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आशीष चंचलानी की जो अभी आई थी ओटीपी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बट लोगों को एक्चुअली आई है तो उनका जो दो पार्ट है दोनों पे इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल व्यूज है जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए पोस्ट करा कि हाँ ये बहुत रेयरली होता है और एक्चुअली बहुत रेयरली होता है। सो मैं एक्चुअली सरप्राइज और हैप्पी हूँ आशीष भाई के लिए। हाँ जस्ट बिकॉज मुझे पसंद नहीं है इसका ये नहीं मेरा प्यार खत्म हो गया उनसे। आई लव हिम आई जेन्युइनली। सौरभ जोशी के बारे में बात कर रहे हैं यार मन नहीं करता यार सौरभ जोशी बोर हो चुका हूँ मैं सौरभ जोशी से पता नहीं क्या यार। अबे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट होती है उसकी। मतलब अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि हाँ ये मेरी लाइफ है और उसके बाद तुम जो बाद में कर रहे हो वो चीज़ उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो मुझे सेंस नहीं बनता उन चीज़ों का। बट उसका नया गाना आ चुका है बट जब इतने व्यूज लिए उसके नाम से तो ये सपोर्ट करना ही पड़ेगा मुझे। इसका नया गाना आ चुका है भाइयों के ऊपर मैंने अभी तक नहीं सुना है मैं मे बी इस वीडियो के बाद सुनूंगा। अरे भैया मुझे याद है एक बार उसने कहा था कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं बट लोगों को अपना करना चाहिए। जैसे मतलब वो उसे कॉपी कैसे कर रहे हैं कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ है? है क्या बोल रहा है जो तू बोल रहा तेरे खुद के कान में जा रहा है। हर बंदा खाना खाता है यार वो तेरी कॉपी नहीं हो सकता। अभी इसलिए मैं व्लॉग नहीं करता वरना लोग बोलना शुरू कर देंगे मैं सौरभ जोशी की कॉपी कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम था ना जब सारे रोस्ट कर रहे थे तो सब बोल रहे थे कि कैरी मिनाटी की कॉपी कैरी मिनाटी की कॉपी। एग्जैक्टली वही चलता है। अभी खाना खाते सब खाते हैं यार मेरे हिसाब से जब तक कोई बाबा वाबा ना हो। बट अगर गाना नहीं सुना हो तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में बिकॉज इन दी एंड चाहे जो भी हो आई स्टिल लाइक हिम। हम्बल पर्सनैलिटी है वो जरूर से ज़्यादा हम्बल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसलिए उससे बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती हैं बट ना ही इससे कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं जाता इसलिए वो शांत रहता है हमेशा। आई सी पीपल आई सी थ्री यू मैम या कभी कभार लगता है मैं ही ज्ञानी है क्या बात। बाय द वे जब भी मैं सोने जा रहा होता हूँ या सो के उठता हूँ मेरी आवाज़ बहुत सेक्सी होती है तुम्हें कैसा लग रहा है आज? पहले पता मेरा यही आइडिया था कि इसको ना ऑफ कैमरा करते हैं आप देख रहे हैं लव करो। बट पॉइंट इज पीकी ब्लाइंडर्स आ चुका है। पीकी ब्लाइंडर्स का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। मैं ढूंढ रहा था कैसे पायरेटेड वर्जन भी देखूँ मैं उसे जैसे तैसे देखूँ मैं कहीं मिला ही नहीं। टोरेंट पे चला गया यार मैं था पायरेट बे का जो प्रॉक्सी होता है उस पर चला गया नहीं मिला। फिर पता नहीं कहाँ मतलब एक आर्टिकल मिला जो कहता है बीबीसी आई प्लेयर फ्री है तुम देख सकते हो तो मैंने वीपीएन ऑन किया मैं पहुंच गया। साला वो प्लेयर मुझे बता रहा है नहीं 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 तू वीपीएन पे। मैं कह ओ हरामी जब तुझे पता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो करने देना रोकने वाला कौन होता है। नहीं नहीं हम गवर्नमेंट रूल अबे जा वॉर चल रही है दुनिया में तू एक वीडियो नहीं देखने दे रहा मुझे जो कि फ्री है। अरे बड़ा मस्त है पता क्या बताओ बताओ भाई साहब मैंने इतनी वीडियो देखी थी ना सीजन 5 की जो एंडिंग सीन था उसके बाद सबकी थ्योरीज जानने के लिए क्या हुआ है एक्चुअली क्या हुआ है किसने चीट किया है टॉमी शेल्बी को पता चला एक नया ही एंगल है सबके सब गलत। मैं कहा बहुत बढ़िया इसे कहते हैं गुड राइटिंग। और एक्चुअली रिस्पेक्टफुली पॉली ग्रे का जो कैरेक्टर का एंड किया है वो रिस्पेक्ट
और भाई साहब किसी ने कहा था बहुत सिनेमेटिक है पीकी ब्लाइंडर्स, कम्प्लीटली एक नेक्स्ट लेवल पे शुरुआत की है। और मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था किलियन मर्फी, बोलो सिलियन मर्फी इज्जत, किलियन मर्फी जो भी है वो बोल रहा था कि शुरुआत के 20 मिनट के बाद तुम्हें पता चलेगा कि सीजन 6 किस बारे में, और मेरे को लगता है पता चल चुका है। मैं बता रहा हूँ इस एंड पे ना सबके सब सैड होने वाले हैं जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन आ रही है। बट छोड़ो, और क्या बात करनी है, कुछ बात करनी है क्या? अरे शार्क टैंक के बारे में बात करें, शार्क टैंक उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका वो जज नहीं था दोगलापन वाला अश्नी ग्रोवर, तो उसका तुम्हें पता है भारत पे के साथ सीन चल रहा था जहाँ पे भारत पे एक्यूजेशन था कि अश्नी और उसकी वाइफ दोनों कंपनी के फंड यूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, कंपनी को लॉस करवा रहे, तो उस पर बड़ा चौड़ में आया है, नहीं नहीं ये दोगलापन है, दोगलापन है, ये काम धंधा छोड़ दो छोड़ दो, मैं 3 साल में कंपनी को यहाँ से भाग भगुच गाली खाया मेरे से। बाद में आया था कहता था मेरे को 4,000 करोड़ दे दो तब मैं छोड़ दूँगा इज्जतपूर्वक, अब रिजाइन मार दिया। मैंने बोल दिया था उसी टाइम, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलता, कहता नहीं नहीं ये एक डील साइन करेंगे जहाँ पे फ्यूचर में अगर मेरे ऊपर कुछ आता है तो मैं लाइबल नहीं रहूँगा, ऐसा एग्रीमेंट बना दो मैं छोड़ दूंगा। अब बताओ क्या बनाया एग्रीमेंट, बताओ मुझे, मेरे को जानना है। साला हर ये जितने भी बड़े बड़े अमाउंट के ड्रामे होते हैं ना, इसमें इन द एंड अनडिस्क्लोज एग्रीमेंट होता है और चीज़ें खत्म हो जाती है। तुम्हें और मुझे ऑफिस से सीधा निकाल देंगे विद रीजन, इनमें 1,000 करोड़ का पंगा है, छोड़ो फ्रॉड करके जा रहा है करोड़ों का, जाओ जाओ अनडिस्क्लोज एग्रीमेंट जाओ ना जाओ। हाँ बट छोड़ो, यही थी बस एक्चुअली MSK व्लॉग वाली बात थी और फ्लाइंग बीच वाली बात थी, इसलिए मैं आ गया वरना मैं आ जाता नहीं। तो अगर एंजॉय करो तो लाइक कर देना और कमेंट कर दो, क्या कमेंट करोगे आज? 1, 2, 3 करो करो, मजा आएगा। इसके आगे तुम भर देना, मैंने बता दिया शुरुआत कहाँ से होगी। चलो बाय, पीस।